ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने लिख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इजीली वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो है आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, तो आप वीडियो को देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल का कटआउट कुछ इस टाइप से ले लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे कुछ इस टाइप से ले आना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फुल स्क्रीन कर देना है एंड आपके इसमें लग जाएगा, ठीक है। आपको इसके पीछे जो मतलब कि मॉडल है हमारा दूसरा वाला, उसके पीछे आप सभी कुछ इस टाइप से लगा देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को करना है कि आप सभी को सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को जाना वापस से ऐड फोटो में। एंड आप सभी को एक मैंने PNG दे रखा है, ठीक है, ग्रास का PNG, जो कि आप सभी को फ्रंट में लगाना है। एंड आपको कैसे लगाना है बताता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी इसको फुल स्क्रीन कर देना है, आपके फोटो में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को ऐड कर देना है। एंड गाइस, इसका एक डुप्लीकेट बनाना है। डुप्लीकेट बना के कुछ एक इस टाइप से ऐसे लगा देना है, ठीक है। ऐसे कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को ऊपर से सामने से खाली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जाना है सिंपली ड्रॉ टूल के अंदर, ठीक है। ड्रॉ टूल में जाना है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस, आप सभी को जाना है यहाँ से ब्रश वाला आइकन पर क्लिक कर देना है एक बारी, ठीक है। तो हम ब्रश पर क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद गाइस, हम स्मूथ ब्रश को ले लेंगे। एंड इसका जो ओपेसिटी हम 10 तक रखेंगे एंड साइज को फुल। एंड गाइस, कुछ इस टाइप से फोटो को जूम करेंगे, ठीक है, शेडो बनाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी शेडो थोड़ी ज़्यादा है, तो उसको मैं यहाँ पे थोड़ी कम कर लूँगा। एंड यहाँ पे एक मिटेरियल रोल बनाऊंगा। एंड कुछ इस टाइप से एक शेडो हम यहाँ पे बनाएंगे एंड साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो आप सभी को जिस टाइप से शेडो बना लेनी है। एंड उसके बाद गाइस, यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, आप सिंपली कर देना है डन, ठीक है। तो उसके बाद गाइस, आप सबको एक PNG और दूंगा मैं गाइस, ठीक है। तो आप सभी को PNG को लेना है। तो आज हम सिंपली चलेंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, वो PNG को मैं यहाँ पे सिंपली ऐड कर दूंगा। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको उसको फुल स्क्रीन कर देना है पहले। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर इसका जाना ब्लेंडिंग मोड में, जाकर इसको कर देना स्क्रीन। एंड इसको गाइस थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेना है यहाँ पे, ठीक है, तो इस टाइप से। एंड गाइस, इसका जो ओपेसिटी आप सभी को कम रखना है, ठीक है, ओपेसिटी कम रख लेना है, अराउंड 50 तक रख लेना। एंड इसके बाद कर देना सिंपली डन, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को अब इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो बस आप सभी को यहाँ से क्या करना है, आप सभी को फोटो को सिंपली सेव कर लेना है। एंड यहाँ से हमें थोड़ी सी कलर करेक्शन करनी है, जिससे कि हमारा जो मॉडल है बैकग्राउंड एंड जो दूसरा मॉडल है उससे मैच हो जाएगा। तो गाइस, हम लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेंगे। एंड गाइस, जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, और यार अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि यार आपकी एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो लाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और यार अगर आप में से कोई भी भाई मेरा चैनल पर नया है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो आप सभी को करना है कि आप सभी को स्लाइड वाला ऑप्शन में जाकर आप सभी को थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट्स को आप सभी को थोड़ा इसको छोड़ देना गाइस, ठीक है, हाईलाइट को। एंड शेडो जो है इसको बढ़ा देना है। एंड जो व्हाइट है इसको आपको थोड़ा बढ़ा देना है। एंड जो ब्लैक है इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, इसका जो वाइब्रेशन आप सभी को आगे की तरफ बढ़ा देना है। एंड जो इसका टेम्परेचर है हल्का सा माइनस कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपको मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को जाना येलो कलर में, इसके ह्यू को माइनस कर देना है, सैचुरेशन को प्लस कर देना है थोड़ा सा, ठीक है। एंड उसके बाद जाना ब्लू कलर में, इसके ह्यू को माइनस कर देना है, जिसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको स्काई ब्लू में जाना है, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है। एंड उसके बाद जाना पर्पल कलर में, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है, डन कर देना है। एंड उसके बाद जाना कलर्स के नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी है आप सबको उसको बढ़ा देना है। एंड जो फोटो में बिगनेट आप सबको डालना है, ठीक है गाइस। इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आपको जाना है नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है इसको इंक्रीज़ कर देना है। एंड जो नोइज़ रिडक्शन आपको हल्का सा बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसका जो कलर नोइज़ रिडक्शन आप सभी को इसको भी बढ़ा देना है। एंड गाइस, उसके बाद आप सबको अब जाना क्या है, जाना है वहाँ पर सिलेक्टिव टूल में। एंड यहाँ से आप सभी को प्लस आला आइकन पर क्लिक करके थर्ड वाला ऑप्शन लेना है। एंड उसके बाद आप सबको कुछ इतना सा ऊपर की तरफ ले आना है। एंड यहाँ से आप सभी को उसका थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको अगेन प्लस पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर सर्कल वाला ऑप्शन लेना है। उसके बाद आप सबको कुछ इस टाइप से कुछ यहाँ पर रख देना है। एंड उसका इसको प्रेस करना है एंड इसको इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको क्लियरिटी भी बढ़ा देना है इसकी, ठीक है। तो उसकी क्लियरिटी बढ़ा देंगे। एंड उसके बाद अगेन हम प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सर्कल वाला ऑप्शन लेंगे, इसको हम फेस के ऊपर लेंगे, ठीक है। एंड उसका जो एक्सपोजर है हमें थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देना है, ठीक है। तो उसका एक्सपोजर बढ़ा देंगे। एंड उसके बाद गाइस, हम इस पर प्रेस करके रखेंगे, इसका हम डुप्लीकेट बनाएंगे एंड हम इसको दूसरा वाले मॉडल के ऊपर रखेंगे। एंड इसका भी हम यहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा देंगे, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को जो है गाइस, देखिए फोटो का जो रिजल्ट है मेरे सामने, आपके सामने मैंने दिखा दिया है, ठीक है। तो मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर भी दिखा रहा हूँ, तो देखिए बिफोर आफ्टर।
तो गाइस आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर यार आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यार मैंने एंड स्क्रीन में आप सभी के लिए दो वीडियो लगवाई है, ठीक है। तो यार आपको मतलब कि इन दोनों में से जो बेस्ट लग रही है प्लीज़ यार इन दोनों में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करो, क्योंकि यार मैंने काफ़ी मेहनत से बनाई है आप लोगों के लिए वीडियो। तो प्लीज़ यार आप इन दोनों में से किसी पर क्लिक कर सकते हो। बाकी अगर आप मेरे चैनल की कोई और वीडियो देखना चाहते हो चैनल के लोगों पर क्लिक करो, वहाँ जाकर मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।